हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट -3,4 टचेज द एक्स एक्सिस एट आर एंड देन टर्न्स टूवर्ड्स एट द पॉइंट 0,2। द मैन इज वॉकिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। इफ द मैन रीचेज द पॉइंट क्यू इन द मिनिमम टाइम देन 50 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। तो थोड़ा इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट है आपका -3,4, -3,4 ये पॉइंट आपका पी दे रखा है और ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को सपोज कर यहाँ पे टच किया एंड देन टर्न्स टू रीच एट द पॉइंट 0,2। ये है हमारा 0,2, इसके बाद ये आ गया, ये पॉइंट आपका क्यू दे रखा है 0,2 और ये पॉइंट आर दे रखा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। इफ़ द मैन रीचेस द मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का पाथ। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन कवर करेगा। देन 50 इंटू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का डिस्टेंस। तो ये जैसे ये एक्स एक्सिस दे रखा है तो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस आर का हो जाएगा α,0। एज्यूम कर लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू α,0। तो क्यू का अगर हम इमेज कहें वाई एक्सिस पे ही, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-2, 0,-2। और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, कॉलिनियर होगा। ठीक है, कॉलिनियर होगा या स्लोप दोनों का क्या कर सकते हैं कि इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ आर पी इक्वल टू स्लोप ऑफ इसको क्यू डैश कर देते हैं, आर क्यू डैश, स्लोप ऑफ आर क्यू डैश। तो आर पी का स्लोप जो है 4-0, 4 हो गया अपॉन -3-α इक्वल टू -2-0-2 अपॉन 0-α। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, तो 4α इक्वल टू -6-2α। इसको इधर भेज दीजिए, 6α इक्वल टू -6, सो अल्फा इक्वल टू -1। अल्फा का वैल्यू -1 आ गया, यानी ये कोऑर्डिनेट आपका मिला, आर का कोऑर्डिनेट कितना, -1,0। अब आप पी आर स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी आर आपका डिस्टेंस हो जाएगा -3-1, यानी -3-1, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4-0 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका पी आर का, और आर क्यू -1-0, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 0-2, 0-2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 प्लस 16, फिर प्लस 1+4 20, और ये हो गया आपका 25। ठीक है, लेकिन हमको किसका कितना फाइंड करना चाहिए, 50 टाइम्स। तो 15 × 25 ये आपको चाहिए, दैट मीन्स 15 × 25, तो कितना हो जाएगा 1250। तो इसका जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो कितना, 1250। ओके, थैंक यू।